हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हम बीसी फर्स्ट ईयर केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट पहले पढ़ा चुके हैं। अब हम उसमें एक जनरल ट्रिक के द्वारा किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन को निकालना हम बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस बांड थ्योरी हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन बता दिया है और हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना भी बता दिया है। उसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन को जो है कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने जो है सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताया था। अगर उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं उससे बॉन्डिंग एटम को जोड़ने के लिए, तब तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और फिर हम जाके जो है बॉन्डेड बॉन्डिंग एटम को जो है उससे जोड़ देते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करा देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कुछ जनरल मेथड बताएंगे किस तरीके से हम जो है हाइब्रिडाइजेशन को ऐसे ही जनरल कंसिडरेशन के द्वारा जो है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं बी ई एफ टू। इसमें देखिए, बी सेंट्रल एटम है और एफ टू जो है क्या है, बॉन्डेड एटम। तो यहाँ पर हम देखिए बी ई को बीच में कर देते हैं और एफ को जो है बगल बगल में कर देते हैं। देखिए, ये लीनियर स्ट्रक्चर है और ये जो है किस टाइप का मॉलिक्यूल है, ये जो है ए बी टू टाइप का मॉलिक्यूल है। ये जो है ए बी टू टाइप का मॉलिक्यूल। ए बी टू टाइप का मॉलिक्यूल होने का मतलब ये हुआ कि एक जो है इसमें सेंट्रल एटम है और जो दो हैं ये बी और बी बी टू है, तो ये जो है बॉन्डेड एटम है। तो इस तरीके का ये मॉलिक्यूल है और लीनियर इसका शेप है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हम इसको कैसे निकालें। तो देखिए, इसके लिए हम आपको एक जनरल सी चीज़ बता दें कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमको गिनती शुरू करनी है हाइब्रिडाइजेशन की, तो हम हाइब्रिडाइजेशन की गिनती यस हो गया, टी हो गया, पी हो गया और इसके बाद जो है डी हो गया, डी हो गया। इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं, यानी कि इतने ही जो है पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। यस एक यस हो सकता है, थ्री पी हो सकता है और जो है थ्री डी हो सकता है। इससे ज़्यादा जो है इसका अरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि ये जो है बैलेंस बांड थ्योरी रूल को जो है फेल करने लगता है। तो हम यहाँ पर इसकी काउंटिंग करेंगे, तो इस तरीके से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 करके इसकी जो है काउंटिंग करेंगे। तो एक तरीके से ये जान लीजिए कि एक जो है ये फार्मूला हमने लिख दिया है। अब देखिए, अभी ये जो है आप समझ लीजिए कि जितने नंबर आप कोवेलेंट बांड रहेंगे, जैसे अगर किसी एटम में दो कोवेलेंट बांड है, यहाँ पर दो कोवेलेंट बांड है, तो देखिए यहाँ पर एक यस हो गया और ये पी हो गया, है ना। तो अब देखिए यस हो गया, पी हो गया, तो नंबर एक एक की काउंटिंग, मतलब जैसे एक ए है दूसरा बांड ए, ये क्या है, ये हम इसको बॉन्ड कर दें, हम इसको अगर जो है बॉन्ड कर दें, कोवेलेंट बॉन्ड कर दें, तो ये नंबर ऑफ कोवेलेंट बांड है। अगर हम इसको नंबर ऑफ कोवेलेंट बांड मान लें, ठीक, उसी में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी काउंटिंग होती है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बांड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बांड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों की काउंटिंग हम करेंगे और ये जो है जनरल कंसिडरेशन हम देंगे। तो इस तरीके से देखिए, इसमें दो कोवेलेंट बांड हैं, एक ए एक एस एक पी, तो इस तरीके से जो है इसमें दो कोवेलेंट बांड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका जो है एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी टू टाइप के मॉलिक्यूल में एसपी हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं बी एफ थ्री, ये बी एफ टू है। अब इसके बाद हम जो है बी एफ थ्री का एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर बी एफ थ्री। अब देखिए, यहाँ पर B होता है और तीन F लगे हुए होते हैं, यहाँ पर तीन F लगे हुए होते हैं।
अब इसकी काउंटिंग करते हैं, देखिए यहीं से शुरू करेंगे, यस पहले लिखेंगे, अगर एक को बैलेंस बांध दे उसके लिए यस, दूसरे के लिए पी, तीसरे के लिए पी, चौथे के लिए पी, पांचवे के लिए डी, छठवें के लिए डी, सातवें के लिए डी। तो यहाँ किसी तरफ से हम जो है काउंटिंग कर ले, कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे यहाँ से कहीं से भी शुरू करें। तो यस हो गया, पी हो गया और पी हो गया। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा यस पी टू हाइब्रिडाइजेशन, कब हाइब्रिडाइजेशन होगा यस पी टू होगा। इसका स्ट्रक्चर जो है ट्राइगोनल होता है, ट्राइगोनल प्लेनर इसका शेप होता है, और ये जो है ये भी थ्री टाइप का मॉलिक्यूल होता है। तो यूजली ये भी थ्री टाइप का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें जो है एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। तो उसमें क्या पाया जाएगा, एस पी टू टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं सी एस फोर मॉलिक्यूल का। इसमें हम मेथेन मॉलिक्यूल का, अमोनिया मॉलिक्यूल का, एच टू ओ मॉलिक्यूल का हम जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सी एच फोर है, ये इस तरीके से जो है ये सी एच फोर होता है। यहाँ पर एच लगा हुआ है, एच लगा हुआ है, और यहाँ पर एच लगा हुआ है, यहाँ पर एच लगा हुआ है। तो ये जो है सी एच फोर मॉलिक्यूल है, ये ए बी फोर टाइप का मॉलिक्यूल है। इसकी भी नंबरिंग हम करते हैं। यहाँ से देखिए ये एच हो गया, पी हो गया, तीन बार लिखना है, पी पी, एक सीरियल से लिखना है, यस पी पी पी। तो यहाँ पर देखिए एक यस है और एक दो तीन पी। तो यहाँ पर जो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो मेथन में जो है हमारा क्या होता है, एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो इसी में देखिए अब इसके बाद जो है एच टू ओ का एग्जांपल लें हम। एच टू ओ का यहाँ पर देखिए एच टू ओ, ऑक्सीजन बीच में होता है, बगल बगल में हाइड्रोजन होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और होता है, ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इस तरीके से जो है दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके बाद जो है होते हैं इस तरीके से। तो जो बैलेंस बांड थ्योरी है, हम जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी हम जो है काउंटिंग करते हैं। तो हम इस तरीके से इसको कोवेलेंट बांड के बराबर ही सेम टू सेम मानेंगे। तो हम कोवेलेंट बांड को भी हम जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम कोवेलेंट बराबर के ही हम जो है सेम टू सेम जो है इसकी काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको यस मान लें, इसको पी मान लें, इसको पी मान लें, इसको पी मान लें। तो यहाँ पर हमारा जो है एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होगा एस टू मॉलिक्यूल में। यहाँ पर जो है ये एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखिए ये भी ए बी फोर टाइप का मॉलिक्यूल है, कैसे है, ये भी फोर टाइप मॉलिक्यूल है, क्योंकि देखिए इसको एक मॉलिक्यूल के बराबर हम मान लें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए जो है ये भी जो है ए बी फोर टाइप का मॉलिक्यूल हम इसको मान रहे हैं। तो इसमें भी जो है एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होगा, कहने का मतलब हमको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी जो है काउंटिंग करनी है। तो इस तरीके से जो है एच टू ओ मॉलिक्यूल में जो है हमारा क्या होता है, ये भी फोर टाइप मॉलिक्यूल है और एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। टेट्राहेड्रल इसका शेप होता है, हमने पहले भी जो है इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया, अगर नहीं देखे हैं तो उस हाइब्रिडाइजेशन को आप डिटेल में देख सकते हैं। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम एच थ्री मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिस तरीके से उसको किए थे उसी तरीके से एच थ्री को भी हम जो है काउंट करेंगे। ये भी जो है ए बी फोर टाइप का मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, ए बी फोर टाइप का जो है मॉलिक्यूल है। अब इसमें देखिए इसमें भी इसी तरीके से काउंटिंग करेंगे, यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यस हो गया, पी हो गया, पी हो गया और पी हो गया। तो ये भी जो है इसमें भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो जो है एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होगा। कहने का मतलब अगर कोवेलेंट बांड हमको पता है कि कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बांड प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में और कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो हम हाइब्रिडाइजेशन का पता जो है बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब इसमें देखिए एस एफ फोर मॉलिक्यूल का हम एग्जांपल लें, हम जो है एस एफ फोर मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लें। यहाँ पर देखिए एस एफ फोर मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए एस एफ फोर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा आपसे पूछा जाए, तो आप जो है इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सल्फर है, सल्फर बीच में है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इससे जो है कितने, एक दो तीन चार, इससे जो है चार सल्फर एटम जो है लगे हुए होते हैं। इससे कितने सल्फर एटम लगे हुए होते हैं, इससे जो है फोर सल्फर एटम जो है लगे हुए होते हैं। अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन की हम काउंटिंग करेंगे, देखिए यस पी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे पी, यस हो गया, पी हो गया, पी हो गया, इसके बाद यहाँ पर
पी हो गया, तीन बार हो गया, अब इससे ज़्यादा हो गया, फिर इसके बाद हमारा क्या होगा डी। तो इसके बाद तो देखिए एस पी थ्री डी वन या इसको डी वन या इसको डी, एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है। अब जो है हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल एस एन सी एल टू का। एस एन सी एल टू का जो है हम एग्जांपल लेंगे, एस एन सी एल टू में कौन सा जो है हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए एस एन सी एल टू है, आप इसको आप चाहे तो हमने हाइब्रिडाइजेशन की डिटेल वीडियो बना दी है, उसको आप इस हिसाब से चेक भी कर सकते हैं होता है कि नहीं होता है। वैसे जो है होता ही है, तभी जो है ये क्लियर है, तभी हम जो है आपको बता रहे हैं, शॉर्टकट जो है आपको बता रहे हैं। अब हम एस एन सी एल टू का एग्जाम्पल लेंगे। देखिए इस तरीके से कुछ जो है एस एन सी एल टू होता है, ये है ये एस एन हो गया सी एल टू। अब इसके बाद जो है इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। इसमें क्या होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर एस हो गया पी और पी, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। केवल आपको इतना ध्यान देना है कि उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर आपको डाउट होता है कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं, आप कोई जो है कंफर्म नहीं हो पाते, कोई भी जो है आप डिसीजन नहीं ले पाते, तो आप तुरंत ही उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अगर उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं अवेलेबल होते हैं जितने बॉन्डेड एटम को जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे कि उसका जो है एक साइडेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके, और इसके बाद उसको आप क्या करेंगे उसको जो है जोड़ देंगे। तो इस तरीके से जो है ये हाइब्रिडाइजेशन को आप जो है बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए आप जो है निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।